देश के लोगों को अयोध्या राम मंदिर मामले पर दशकों से फैसले का इंतजार है, लेकिन अब बस कुछ ही दिनों में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आने वाला है। 15 नवंबर से पहले कभी भी फैसला आ सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। चूंकि 17 नवंबर रविवार है और शनिवार को भी कोर्ट में छुट्टी रहती है, इसलिए 15 नवंबर सीजेआई रंजन गोगोई के कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देश के लोगों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है। अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले मोदी सरकार भी पूरी तरह एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि उकसाने वाले बयानबाजी से बचे। फैसले से पहले देश की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है, ताकि कोर्ट से फैसला आने के बाद किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने इस कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से कहा है कि अयोध्या मामले पर बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि फैसले आने के बाद देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों से यह भी कहा है कि फैसला आने के बाद लोग अपने अपने क्षेत्र में ही रहें और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें। फैसला चाहे कुछ भी हो, देश में भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार भी अयोध्या को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। फैसले से पहले अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ अयोध्या मामले में फैसला लिख रहे हैं और बस कुछ ही दिनों में कोर्ट का फैसला देश के सामने होगा। OMH न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि फैसला चाहे कुछ भी हो, देश में भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।